स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका मृदा जीवांश पदार्थ के अगले वीडियो लेक्चर में। आज देखेंगे कार्बन साइकिल। और साइकिल का मतलब होता है एक पदार्थ दूसरे में परिवर्तित होता है, दूसरा तीसरे में परिवर्तित होता है और वापस उसी रूप में लौट आता है। मूल पदार्थ में लौट जाने का प्रक्रम जो है वो साइकिल कहलाता है। जैसे साइकिल का पहिया हो, ये यहाँ से मान लो घूमना शुरू हुआ तो वापस यहाँ से गुजर जाएगा और निकल जाएगा। ये एक साइकिल है, यानी ये पदार्थ इसमें कन्वर्ट हुआ, ये पदार्थ इसमें कन्वर्ट हुआ और ये वापस मूल पदार्थ में रूपांतरित हो गया। इसको कहते हैं चक्र। यहाँ कार्बन जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल करके और बदलते हुए अंत में मूल रूप में वापस आ जाएगा, इसको कहते हैं कार्बन साइकिल। तो इसकी बात अपन यहाँ करने वाले हैं, क्लियर। अब देखो, कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र क्या है? तो सभी कार्बनिक पदार्थों का कार्बन एक मुख्य अवयव है। कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं उनमें कार्बन जो है वो एक मुख्य अवयव है। मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के जीव अपनी आवश्यक ऊर्जा का अधिकांश भाग कार्बन के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त करते हैं। सभी प्रकार के जो जीव हैं मृदा में उपस्थित, वे अपनी आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति किससे करते हैं? कार्बन के ऑक्सीकरण से। और कार्बन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 बननी चाहिए। इसके फलस्वरूप इसके ऑक्साइड लगातार अधिक मात्रा में निकलते हैं। मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के सामूहिक रूप को कार्बन चक्र कहते हैं। मृदा के अंदर हो चाहे मृदा के बाहर हो, कार्बन तत्व क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, यानी कार्बन तत्व में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उनको सामूहिक रूप से कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र के नाम से जाना जाता है, क्लियर। अब देखो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना कार्बन साइकिल का एक टाइप है, रिलीज ऑफ CO2। पादप अवशेषों के यौगिकों के विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पादप जो अवशेष हैं के यौगिकों के विच्छेदन से, यानी डिकम्पोजिशन से, पादप अवशेष जब सड़ते गलते हैं तो CO2 निकलती है। इस गैस के उत्सर्जन का मृदा एक मुख्य स्रोत है। हालांकि CO2 की अल्प मात्रा जड़ों द्वारा भी निकलती है तथा वर्षा जल द्वारा भी मृदा में लाई जाती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रचुर मात्रा में मृदा से निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है, जहां पुनः पौधों द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। इस प्रकार यह चक्र पूरा होता है। तो CO2 है वो पादप अवशेषों के विच्छेदन से निकलती है और पादप अवशेषों के विच्छेदन से निकलने के बाद वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल से इसको क्या कर लेते हैं? पौधे ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करके वापस इसको मृदा में मिला देते हैं। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, क्लियर। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की थोड़ी मात्रा मृदा में पानी से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, यानी CO2 प्लस H2O रिएक्शन करके H2CO3 बना लेती है, यानी कार्बोनिक एसिड बना लेती है। H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, तथा कैल्शियम, पोटेशियम तथा अन्य भस्मों के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बनाती है। कैल्शियम पोटेशियम के, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, पोटेशियम हो जाएगा KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा K2CO3। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है। आप जानते हो कार्बोनेट होता है CO3 पर -2 चार्ज, बाइकार्बोनेट होता है HCO3 पर माइनस चार्ज। ये लवण जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ी मात्रा में मृदा में पानी से रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है तथा कैल्शियम, पोटेशियम आदि भस्मों के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाती है। लवण जल में आसानी से विलय तथा जल निकास द्वारा नष्ट हो जाते हैं या उच्च पौधों द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार कार्बन की अल्प मात्रा पौधों के अंदर प्रवेश कर जाती है। उच्च पौधों में उपस्थित कार्बन की अधिकांश मात्रा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल से ली जाती है। जो पूर्ण विकसित पौधे हैं, उच्च पौधों का मतलब विकसित पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, उनमें CO2 की मात्रा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल से प्राप्त होती है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये जो हैं उनके बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट जो हैं वो लवण के रूप में जल में घुल जाते हैं और इनको पौधों द्वारा प्रयोग में ले लिया जाता है, क्लियर। देखो, कार्बन चक्र जो है उसमें
क्या क्या प्रक्रिया शामिल होती है। पादपों के अंदर जो कार्बन है, पादप कार्बन, उसको जंतु ग्रहण करते हैं तो उसको कह देते हैं जंतु कार्बन। क्योंकि मूल पदार्थ पोषण कौन प्रदान करते हैं? जंतुओं को, पादप। तो पादप कार्बन से जंतु कार्बन मिलता है। और जंतु कार्बन जो है वो श्वसन द्वारा, जंतु श्वसन द्वारा क्या कर देते हैं? CO2 बना लेते हैं। पादप कार्बन पादपों को खाया किसने? जंतुओं ने, जंतु कार्बन बन गया। जंतुओं ने जब श्वसन किया सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में तो क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म पोषित जीवाणु है, सूक्ष्म पोषित जीवाणु, वो मृदा जीवान सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं सड़े गले अवशेषों में बदल देती है। इसके अलावा पादप कार्बन, पादप जब सड़ते और गलते हैं तो मृदा जीवांश पदार्थ सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं सड़े गले पदार्थ तैयार करते हैं और उनसे भी क्या बनती है? CO2 बनती है। इसके अलावा जंतुओं से भी मृदा जीवांश पदार्थ सूक्ष्म कोशिकाएं सड़े गले अवशेष बनते हैं। अब CO2 जो है वो पादप कार्बन में भी कन्वर्ट हो सकती है और पादप कार्बन सीधा CO2 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कार्बन चक्र के कई सारे रूपांतरण है, कई सारे परिवर्तनों से होकर कार्बन जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है कार्बन साइकिल। मूल रूप में क्या है? मूल रूप में देखो, मूल रूप है इसका पादप है, जंतु खाते हैं जंतु कार्बन में, श्वसन से क्या बनती है? CO2। CO2 को वापस क्या कर लेते हैं? पौधे ग्रहण कर लेते हैं तो पादप कार्बन। फिर ये प्रक्रिया, ये मूल है। बाकी सहायक जो है वो आप कई सारे देख रहे हो, इन प्रक्रियाओं द्वारा भी कार्बन तत्व का या कार्बन का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। मूल रूप यही है, पादप कार्बन, पादप कार्बन से जंतु कार्बन, जंतु कार्बन से CO2, CO2 से पादप कार्बन। यह है कार्बन चक्र, क्लियर। अब इसके अलावा सहायक जो हैं वो हो गए कौन कौन से? पादप कार्बन से पादप श्वसन द्वारा ये बन जाते हैं, पादप कार्बन पादप श्वसन द्वारा CO2 बन जाती है, जंतु कार्बन से मृदा जीवांश पदार्थ बनते हैं, मृदा जीवांश पदार्थ से CO2 बन जाती है। ये कोई एडिशनल चक्र यानी सहायक चक्र और भी शामिल हो सकते हैं, जिससे कार्बन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित होता है। तो ये प्रक्रिया अपने को याद रखनी है, कार्बन साइकिल, क्लियर।